और निश्चित तौर पर आपको बताना चाहते हैं इस प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यही केवल मऊ जनपद में नहीं प्रदेश में सब विकल्प बन गए। कार्यालय का उद्घाटन भी आप विधिवत हो गया, लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष भी आपके सामने हैं, जनपद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो, इस जनपद के जिला पंचायत के किंग मेकर भाई बिजू प्रकाश यादव भी आपके बीच में है, आपके साथ तमाम क्षेत्र पंचायत के सदस्य कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख तमाम साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप देख भी सकते हैं आपके पास खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए इसका गठन किया गया है, चुनाव में कितनी सच्चाई है? हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए चाहे भाजपा खत्म हो जाए, दूसरा दल खत्म हो जाए, समाजवादी सेकुलर मजबूत हो, इसकी लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। यह जरूर है कि जहाँ उत्तर प्रदेश में विकास की बात जो सरकार करेगी भाजपा को छोड़कर, उससे हमारा हमारी नई पार्टी जो बदल के आई है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, जिसका पहले समाजवादी सेकुलर मोर्चा के नाम से संगठन बनाया गया था, जो अभी जो हमारी पार्टी का नाम आया है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हुई है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, उसमें जो चार फ्रंटल हमारे हैं जैसे लोहिया वाहिनी है ये, उसका मुझे प्रदेश महासचिव बनाया गया है। और प्रदेश महासचिव बनाने के अलावा पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आजमगढ़ मंडल का मुझे प्रभारी भी बनाया गया है, ताकि यहाँ आकर और मैं यहाँ के तीनों जो जिले आते हैं बलिया आजमगढ़ और मऊ, वहाँ के जिला अध्यक्षों की मजबूती देखूँ और उनके उसको अपनी पार्टी में सम्मिलित करूँ। लोहिया वाहिनी में लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष बनाने की जो जिम्मेदारी दी गई है, उस रूप में मैं यहाँ आया और माननीय जिलाध्यक्ष जी विजय शंकर यादव जी से मुलाकात हुई हमारी, उनकी भी राय मैंने जानी और उसी विषय पर हम लोग आगे कार्य करेंगे।